आप कुछ चुनावी खबरें भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर किया तंज। पीएम मोदी एमपी के इंदौर में रैली करने पहुंचे, जहां राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, जिसे पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती उसे जनता कैसे सीरियसली लेगी। जिसका नेता कंफ्यूज है, जिसकी पार्टी फ्यूज है, जिस पार्टी के नेता के भाषण को उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए क्या? उधर छिंदवाड़ा की रैली में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, एमपी में कांग्रेस गाय माता का गौरवगान करती है और केरल में काटकर खाती है। एमपी में 28 नवंबर को चुनाव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम में कुंडली मानेसर पलवल हाईवे का उद्घाटन करेंगे। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद आज हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP हाईवे शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह हाईवे 135 किलोमीटर लंबा है। कुंडली से पलवल का सफर 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। पहले इतनी ही दूरी के लिए 3 घंटे लगते थे। एक्सप्रेसवे परियोजना पर कुल 6,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए कारों को 200 रुपए, वही ट्रक और बस को 650 रुपए देने होंगे। इस एक्सप्रेसवे पर लोगों का वक्त तो बचेगा ही, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण भी कम होगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।